सत्याग्रह के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद में खुली अधिकारियों की नींद। पहुंचे जल सत्याग्रह कर रहे किसानों के पास। किसानों के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद में खुली अधिकारियों की नींद। पहुंचे जल सत्याग्रह कर रहे किसानों के पास, सुनी समस्या, साथ ही सभी मांगों को लेकर समाधान करने के लिए मांगा समय और किसानों से जल सत्याग्रह समाप्त करने को कहा। भारतीय किसान यूनियन अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला व प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जतनगंज गोमती नदी में 24 घंटे से अधिक समय से चल रहे जल सत्याग्रह में आज किसानों की समस्या सुनने के लिए जिला गन्ना अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अधिकारी मितौली, क्षेत्र अधिकारी मितौली, कोतवाली प्रभारी मैगलगंज मौजूद रहे और जिस समस्या के लिए जल सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो मुख्य समस्या थी वो है बरनाला पोल्ट्री फार्म में फार्म से उत्पत्ति मक्खी, मक्खियों की चपेट में लगभग एक दर्जन से अधिक गांव के लोग प्रभावित हैं। वह दूसरी प्रमुख समस्या आवारा पशुओं को गौशाला में अतिशीघ्र गौशाला गृह में करवाया जाए। वह तीसरी प्रमुख समस्या गन्ना किसानों का भुगतान को लेकर किसान का भुगतान जल्द ही चीनी मिले कराएं। ज्ञापन में राजस्व विभाग व ब्लॉक स्तर की समस्याएं थी, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कुछ समस्याएं एक महीने में हल हो जाएंगी और जो समस्याएं राजस्व ब्लॉक स्तर की हैं वह 15 दिन के अंदर समस्या का हल शासन स्तर से किया जाएगा। फिर किसान और किसान नेता की सहमति से 13 सूत्री ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता व नगर विकास सभा की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पूनम सिंह सहित हजारों किसान और माताएं बहनें मौजूद रहीं। आवारा गौवंश और मक्खियों का प्रकोप, यह तीन प्रमुख समस्याएं और अन्य फिर क्षेत्रीय समस्याएं छोटी छोटी राजस्व विकास विभाग की, जिस पर आंदोलन चल रहा था। संबंधित विभाग के समस्त जो जनपद के विभाग अध्यक्ष हैं, जिला गन्ना अधिकारी महोदय, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय और विकास विभाग से पंचायत राज अधिकारी महोदय और तहसील के राजस्व की तरफ से उप जिलाधिकारी महोदय और पुलिस की तरफ से क्षेत्राधिकारी महोदय, संबंधित समस्त विभागों के लोग आज दूसरे दिन जल सत्याग्रह में पहुंचे। मक्खियों की निजात के लिए एक माह, आवारा गौवंशों को अंतर में तब्दील करने के लिए दो माह का वक्त, गन्ना भुगतान के लिए बहुत जल्द गन्ना आयुक्त से बैठक, विकास विभाग और राजस्व विभाग के मुद्दों पर 15 दिन में संपूर्ण निस्तारण, उचित दर विक्रेताओं के ऊपर 15 दिन के ऊपर कार्रवाई, इस आश्वासन को दिया है और इस पर यह आज का मांग पत्र लेकर के आंदोलन समाप्त किया जा रहा है। अगर प्रशासन अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरेगा तो एक महीने के बाद फिर यही लड़के मैगलगंज के निकट अब्बासपुर ग्राम में संचालित उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास 2013 अंतर्गत बरनाला पोल्ट्री फार्म द्वारा कुक्कुट फार्म का अंडा उत्पादन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि कुक्कुट फार्म के कारण आसपास कई ग्रामों में मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। इस हेतु हम लोगों ने स्वयं कई बार भ्रमण किया, चिकित्सकों की टीम ने भ्रमण किया और अभी इसी माह केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली सर्वोच्च संस्थान, उनके वैज्ञानिकों की टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, उनके द्वारा भी कुछ उपाय बताए गए हैं, तो उन उपायों का हम पालन करेंगे और नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि बीट का डिस्पोजल इस ढंग से किया जाए कि मक्खियों का प्रकोप न्यूनतम किया जा सके। इस हेतु अभी हमने संचालक से भी वार्ता की है, कुछ मशीनों की आवश्यकता है, उसमें समय लगने की संभावना है। क्या है, मैं अभी सबके सामने ये बात फिर कह रहा हूँ कि न्यूनतम, यद्यपि संचालक द्वारा कुछ मशीनों के आने में विलम्ब की संभावना बताई जा रहा है, फिर भी मेरी तरफ से युद्ध स्तर पर प्रयास होगा कि एक माह के अंदर ये मक्खी की समस्या में निजात, नियंत्रण, ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। रही दूसरा बिंदु रहा निराश्रित बेसहारा पशुओं के लिए, तो उसके लिए अभी हमने न्यूनतम दो माह का समय मांगा है। इसे तो मैं इन सारे तथ्यों से जो सम्मिलित विभाग हैं, जिन सभी विभागों से समन्वय करके ग्राम विकास, पंचायती राज, अन्य विभागों के माध्यम से गौशाला निर्माण और वर्तमान में जो कार्यशील क्रियाशील गौशालाएँ हैं उनकी क्षमता बढ़ा के इसको कराने का युद्ध स्तर पर प्रयास